नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज, इसकी प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कक्षा 9 इसके अध्याय 7, जिसका नाम है त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन किया। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए क्या क्या कसौटियां होती हैं, इनका आपने विस्तार पूर्वक अध्ययन कक्षा 9 के अध्याय 7 में किया। इसके साथ साथ सीखा कि कोई भी दो बहुभुज सर्वांगसम कब होते हैं, कि जब उनका जो आकार है और उनका जो अमाप है वो समान होता है, तो वो दो बहुभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम दो बहुभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, दो बहुभुज या फिर दो आकृतियों की समरूपता। इसके बारे में हम यहां पे प्रश्नावली 6.1 में अध्ययन करेंगे। तो किन्हीं भी दो आकृतियों या किन्हीं भी दो बहुभुजों की समरूपता के अध्ययन से पहले, इसको बेहतर ढंग से समझने से पहले, इसके नियम पर, इसकी कसौटी पर पहुंचने से पहले, हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित नियम हैं, उनमें हम देखते हैं कि दो त्रिभुजें सर्वांगसम कब होती हैं, जब एक तो उनका जो आकार है, शेप है, वो समान हो, और दूसरी बात उनका जो साइज है, अमाप है, वो भी समान हो। यानी कि दो त्रिभुजें सर्वांगसम कब होंगी, जब उनका आकार और उनका अमाप, यानी कि उनकी शेप और उनका साइज समान हो, तो उन त्रिभुजों को हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा है। अब इसी स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं। कई बार हम अपने आसपास ऐसी आकृतियां देखते हैं जिनका आकार तो एक जैसा होता है, जिनका आकार एक जैसा होता है, लेकिन वो बड़ी छोटी हो सकती है। यानी कि उनका जो अमाप है, जो साइज है, वो जरूरी नहीं है कि समान हो। तो इस तरह की आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार समान हो, कोई जरूरी नहीं है कि उनका माप भी समान हो, ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे समरूप आकृतियां। इस तरह की आकृतियों को हम कहेंगे समरूप आकृतियां, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उनका अमाप, यानी कि उनका साइज भी समान हो, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम, क्योंकि त्रिभुज
चैप्टर का नाम है। तो हम त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित जो नियम है और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ की हमें ऊंचाई मापनी है या फिर हमें चांद से दूरी मापनी है, हमारी चांद से दूरी मापनी है, तो क्या ये किसी फित्ते की सहायता से संबंधित संभव है? तो ये फीते की बजाय हम इसमें यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट में की बजाय हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो इस तरह की दूरी या ऊंचाई मापने के लिए हम जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट यूज़ करते हैं वो हम समरूप त्रिभुजों की अवधारणा को लेके, समरूप आकृतियों के सिद्धांत को लेके इस तरह की जो दूरी या ऊंचाई है उसको मापते हैं। अब जैसे अगर हम समरूप आकृतियों की बात करें तो समरूप आकृतियां कौन सी होंगी जिनका साइज अलग अलग हो सकता है लेकिन उनकी शेप एक जैसी हो, आकार एक जैसा हो, अमाप अलग अलग हो सकता है, बड़ी छोटी हो सकती है। जैसे दो वृत्त दिए हुए हैं हमारे पास, ये वाला बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, लेकिन इनका जो आकार है वो एक जैसा है, इनका आकार एक जैसा है, अमाप बड़ा छोटा है, अमाप एक जैसा नहीं है। तो ये जो आकृतियाँ वो कैसी हैं? समरूप आकृतियाँ हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम दो वर्ग की बात करें तो ये हमारे पास छोटी वर्ग है और ये हमारे पास बड़ी वर्ग है, लेकिन इन दोनों का जो आकार है एक जैसा है, अमाप इनका बड़ा छोटा है, तो ये दोनों आकृतियाँ भी कैसी हैं? समरूप आकृतियाँ। ठीक इसी प्रकार के से ये छोटी त्रिभुज, ये बड़ी त्रिभुज, लेकिन इनका जो आकार है एक जैसा है और जो अमाप है वो बड़ा छोटा है, तो ये भी हमारे पास कैसी हैं? समरूप आकृति है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आपको समरूप आकृतियों का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, समरूप यानी कि समान रूप, उनका रूप एक जैसा है, यानी कि उनका उनकी जो शेप है, उनका जो आकार है वो, उनका जो रूप है वो एक जैसा है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, तो ऐसी जो आकृति हैं उनको हम कहेंगे समरूप आकृतियाँ। और अगर उनका जो आकार है और जो उनका अमाप है दोनों ही एक जैसे हो जाएं, जैसा कि हमने नौवीं क्लास में पढ़ा है, तो उन आकृतियों को हम कहेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ। जैसे ये दो वर्ग हैं, दोनों की शेप और दोनों का साइज सेम है, तो ये सर्वांगसम आकृति हैं। ठीक इसी तरह से दो त्रिभुज हैं, ये इन दोनों का शेप और साइज सेम है, तो ये भी हमारे पास सर्वांगसम आकृति हैं। और दो वृत्त की बात करें तो इनका भी शेप और साइज एक जैसा है, तो ये भी हमारे पास कैसी हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। अब इन तीनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों केसेस में इनका जो शेप है और जो साइज है वो एक जैसा है, जो आकार है और जो अमाप है एक जैसा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनका आकार तो एक जैसा है ही है। जब हम समरूपता की बात करते हैं तो हम सिर्फ आकार की बात करते हैं, अमाप की बात नहीं करते हैं, तो उनका जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए, अमाप छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये जो समरूप सर्वांगसम आकृतियां हैं ये समरूप आकृतियां भी हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट।
कि ये जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप आकृतियां, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, शेप और साइज दोनों समान होने चाहिए, और समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ शेप समान होनी चाहिए। तो शेप तो इनकी सेम ही, एक जैसी ही है, तो जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वो समरूप जरूर होगी। तो उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप आकृतियां हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। जैसे कि इसमें अगर हम देखें, अब देखो यहाँ पे इन दो वर्ग की बात करें तो ये समरूप आकृतियां हैं, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, इनका जो साइज़ है वो बराबर नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी वो समरूप अवश्य होंगी, लेकिन जो समरूप हों वो हमेशा सर्वांगसम हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सभी वृत्त हैं वो समरूप होते हैं। अब देखो, उनकी अगर त्रिज्या बराबर होगी तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे, उनकी शेप और साइज बराबर हो जाएंगी, अदरवाइज उनकी शेप तो बराबर है, एक जैसी है ही है, तो बड़े छोटे हो सकते हैं तो समरूप तो होंगे। इसी प्रकार सभी वर्ग भी समरूप हो जाएंगे, इसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर उसको कंक्लूड किया गया कि इस प्रकार उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसंग आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब इस चर्चा के बाद आप अपने दिमाग में सोचें कि क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकता है, क्या एक वृत्त और एक वर्ग समरूप हो सकता है, इसी प्रकार क्या एक त्रिभुज और एक वर्ग समरूप हो सकते हैं। ये आपने सोचना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इन दोनों प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें इसका आंसर आप बताएं। तो आपको कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख के इस आंसर का जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आपको दो आकृतियां नजर आ रही हैं, दो चतुर्भुज हैं हमारे पास। अगर आप इनको देखें तो यहां से क्वेश्चन ये है कि क्या ये समरूप आकृतियां हैं या नहीं। तो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों जो आकृतियां हैं वो समरूप आकृति हैं, लेकिन हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि आकृति वन और आकृति टू समरूप है या नहीं, क्योंकि इनकी डायमेंशन का ये कितने कितने सेंटीमीटर हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये समरूप आकृतियां हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समरूपता का कोई समरूप आकृतियों का कोई नियम सुनिश्चित करना पड़ेगा, ताकि कोई परिभाषा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी कि कोई दो आकृतियां समरूप किस नियम के हिसाब से होंगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अब आप इसको देखें तो ताजमहल का ये एक चित्र है, ये सबसे बड़ा चित्र है पहले नंबर पे, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। अब क्या हुआ, इनका जो शेप है, तीनों ही आकृतियों की शेप एक जैसी है, इनका जो साइज़ है, ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये उस सबसे छोटा, तो साइज़ इनका छोटा बड़ा है लेकिन शेप इनकी सेम है, इनका आकार एक जैसा है, अमाप एक जैसा नहीं है। तो ये आकृतियाँ कैसी हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। तो यहाँ से हम दो बहुभुजों की समरूपता का नियम बना लेते हैं कि दो बहुभुज होंगी जो, वो समरूपता के लिए क्या नियम है उनका।
तो यहाँ पे है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, अब वो त्रिभुज भी हो सकते हैं, वो चतुर्भुज भी हो सकते हैं। बहुभुज मतलब वो त्रिभुज भी हो सकते हैं, चतुर्भुज भी हो सकते हैं, पंचभुज भी हो सकते हैं, षटभुज भी हो सकते हैं, सप्तभुज भी हो सकते हैं, अष्टभुज भी हो सकते हैं। उनकी भुजाओं की संख्या बस समान हो। वो समरूप कब होंगे? जब तो एक तो उनके जो संगत कोण हैं वो बराबर हों, जो कोण हैं वो बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, यानी कि समानुपाती हों। तो यहाँ पे दो भुजों की, दो बहुभुजों की समरूपता का क्या नियम बना कि दो बहुभुज समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे? एक तो जब उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरी बात उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हों। तो ये हमारे पास दो बहुभुजों की समरूपता से संबंधित नियम हुआ। तो इसी नियम को हम किसके लिए कह सकते हैं? त्रिभुज के लिए कह सकते हैं कि दो त्रिभुजें समरूप होंगी जब उनकी उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो उन त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ से अगर इस आकृति चित्र को देखें तो इसमें देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसी तरह से पी क्यू आर एस एक और चतुर्भुज है। अब इसमें देखो संगत कोण। प्यारे बच्चों, अगर आप इन दो आकृतियों को, दो चतुर्भुजों को ध्यान से देखें तो इन दोनों चतुर्भुजों को, चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इन दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर हैं। 105 डिग्री, 100 डिग्री, 70 डिग्री और 85 डिग्री। तो संगत कोण इनके बराबर हैं। इसी प्रकार इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। देखो 2.1 और यहाँ से 4.2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक के बाद यहाँ से पॉइंट तो कैंसिल कर देते हैं, 21 और 2 नहीं, तो यानी कि 1.1/2 आ गया। तो यहाँ से इसका अनुपात जब हम निकालेंगे 2.1 और 4.2 का तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से 1.5 और 3.0 का निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आएगा। इसी तरह से 2.5 और 5.0 का निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से 2.4 और 4.8 का निकालेंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो इनका जो अनुपात है वो समान आया है। तो यहाँ से देखो, यहाँ इनका दोनों बहुभुजों का, दोनों चतुर्भुजों का जो संगत कोण है वो बराबर है और जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती है। तो इसका मतलब ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? समरूप आकृतियाँ हैं। तो इसी प्रकार अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में देखो, वैसे तो प्यारे बच्चों आप इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से क्लियर ही हो रहा है कि जो इनका जो आकार है वो एक जैसा नहीं है। फिर भी समरूपता के नियम के हिसाब से अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास जो आकृति फर्स्ट है, आकृति फर्स्ट हमारे पास एक आयत की आकृति है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति फर्स्ट हमारे पास एक आयत है, आकृति फर्स्ट हमारे पास एक आयत है, और आकृति दूसरी जो आकृति है हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोनों आकृतियाँ एक जैसी नहीं हैं, आकार इनका समान नहीं है, तो ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, देखो जो जो संगत कोण हैं वो बराबर नहीं है। हाँ, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। देखो 2.1 4.2, जब इसको हल करेंगे तो 2.1/4.2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। अब देखो, संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो संगत कोण बराबर ना होने की वजह से ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के लिए बेसिक। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। प्रश्न संख्या एक है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए।
यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं उनको रिक्त स्थान में भरना है। पहला भाग है, इसमें कहा गया है कि सभी वृत्त डैश होते हैं सर्वांगसम या फिर समरूप। अब प्यारे बच्चों, जो वृत्त हैं त्रिज्या के आधार पर वो बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन जो उनका आकार है वो एक जैसा होता है। बड़े छोटे वो हो सकते हैं लेकिन आकार उनका एक जैसा होगा, तो सभी वृत्त कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा समरूप। ठीक इसी तरह से दूसरे भाग को देखते हैं, इसमें कहा गया है सभी वर्ग डैश होते हैं सर्वांगसम समरूप। तो ये भी फर्स्ट भाग की तरह से बिल्कुल वैसा ही है कि वर्ग की अगर भुजा बड़ी होगी, दूसरे वर्ग की भुजा अगर छोटी होगी, तो उनका जो आकार है वो एक जैसा होगा लेकिन अमाप अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आकार बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन जो अमाप है वो बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन जो आकार है वो एक जैसा ही होगा उनका। तो यहाँ पे भी जैसे वृत्त के लिए है तो सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? समरूप। सभी वर्ग भी हमारे पास कैसे होंगे? समरूप होंगे। इसके बाद तीसरे भाग में है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहां पे जो आपके पास विकल्प दिए हुए हैं वो है, एक तो है समद्विबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज देखने में एक जैसी नजर आएगी। इनका आकार जो है वो एक जैसा होगा, इनका अमाप बड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी जो भुजाएं हैं वो समानुपात में होंगी और इनके जो कोण हैं, दोनों ही समबाहु त्रिभुजों में जो कोण है वो 60-60 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, सभी समबाहु त्रिभुज हैं वो कैसे होंगी? समरूप होंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस रिक्त स्थान में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद चौथे भाग में हमारे पास, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास जो बहुभुजों की समरूपता की कसौटी है, तो क्या होना चाहिए? उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी कि समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानुपाती, समानुपाती। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़े अगर हम, तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों को आपको दो उदाहरण देने हैं। तो समरूप ऐसे बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं और दूसरे में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि दो अलग अलग उदाहरण हमें देने हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त। अब देखो, एक वृत्त तो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो ये कैसे होंगे? समरूप आकृतियां होंगी। ठीक किसी तरह से इसका एक अन्य उदाहरण दिया जा सकता है कि 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग।
चार सेंटीमीटर और छह सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग, तो यह भी कैसी होंगी, समरूप आकृतियां होंगी। यहां पे भी हमने इसके बारे में क्वेश्चन नंबर वन के जो ब्लैंक्स थे इनमें भी हमने ये सीखा है। ठीक किसी प्रकार से अगर हम इसके पार्ट की बात करें, जहां पे जो आकृतियां हैं जो समरूप नहीं है उसके आपको उदाहरण देनी है, तो इसके लिए आप क्या उदाहरण दे सकते हो, जैसे अगर हम सेकंड के लिए यहां पे हम इसको ए और बी लिख देते हैं अलग दिखाने के लिए कि ये एक उदाहरण ए हो गया और दूसरा बी हो गया। सेकंड के लिए भी हम इसी तरह से ए में हमें दो अलग अलग उदाहरण देने हैं, जैसे जहां पे जो आकृतियां हैं वो कैसी हैं, समरूप नहीं है। तो एक वर्ग और एक वृत्त, एक वर्ग और एक वृत्त, तो ये दो आकृतियां ये समरूप कभी नहीं हो सकती कि वर्ग अलग आकृति है और वृत्त अलग। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक अन्य युग्म का जो उदाहरण है, एक त्रिभुज और एक वर्ग, तो ये जो आकृति है ये भी समरूप नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों इस तरह से बहुत सारे आंसर इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो ये चतुर्भुज दी हुई है, दो चतुर्भुज आपको जो दी हुई है, क्या ये समरूप है या फिर ये समरूप नहीं है। तो प्यारे बच्चों पहली तो बात, जो चतुर्भुज है वो क्या होगी, एक बहुभुज होगी। तो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप कब होती हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। तो यहां पे अगर हम इन दो चतुर्भुजों की बात करें तो यहां पे देखो एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस और एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो अगर हम निकालें पी क्यू बटे में ए बी, पी क्यू बटे में ए बी, पी क्यू का मान है 1.5 और ए बी का मान है 3 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको देखो दशमलव यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 है और ये 30 है, तो 15 × 15 = 30, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से क्यू आर, क्यू आर बटे में बी सी करते हैं तो ये भी 1.5/3 यानी कि इससे भी हमें 1/2 मिलेगा। इसी तरह से आर एस बटे में सी डी हम निकालते हैं तो यहां से भी 1.5/3 यानी कि 1/2 ही मिलेगा। और इसी तरह से एस पी बटे में डी ए, डी ए जब हम निकालेंगे तो 1.5/3 यानी कि ये भी 1/2 मिलेगा। यहां पे आप देखोगे कि संगत भुजाएं समानुपात में हैं लेकिन संगत कोण तो इसके बराबर नहीं है। आप देखेंगे यहां पे ये जो आकृति है देखो चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो यहां पे ये जो आकृति है वो एक वर्ग है और यहां पे जो आकृति है इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। तो यहां पे प्रत्येक कोण समकोण है और यहां पे प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। तो ये जो आकृति है ये समचतुर्भुज है, ये जो आकृति है वो समचतुर्भुज है। तो ये दोनों आकृति हैं जिसमें देखो यहां पे हमारे पास दो बहुभुजों की समरूपता का नियम क्या कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन संगत कोण तो बराबर नहीं है। यहां पे कोण जो P है और कोण A तो 90 डिग्री का है लेकिन कोण P 90 डिग्री का नहीं है। तो यहां पे इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इस वजह से ये जो दो चतुर्भुज दी हुई हैं ये समरूप नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं, दी गई बहुभुज या फिर दी गई चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारी प्रश्नावली 6.1 पूरी हो जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों गणित विषय की बेहतर समझ के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।
क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, आपकी विषय पर जो पकड़ है वो मजबूत होगी, इसके साथ साथ आपकी गणित विषय में जो रुचि है वो बढ़ती जाएगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।